क्या आप चाहते हो कि लड़की आपके बिना बिल्कुल न रह पाए, आपको बार बार याद करे और आपको खुद प्रपोज करे? तो यार ये पॉसिबल है, और आज के वीडियो में जो बताती हूँ मैं वो आप करके देखो। यार ये नहीं कि आपको लड़की से बातें करना है, बिल्कुल नहीं। देखो एक चीज़ तो आपने नोटिस की होगी, ठीक है, कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ पड़ी होती हैं और वो लड़के उन्हें बिल्कुल भाव नहीं देते। यार मतलब आपसे क्या होता है, आपकी इतनी फटती है कोई भी लड़की आपको छोड़ के चली जाती है, और उनके पास इतनी लड़कियाँ होते बावजूद वो भाव नहीं देते। क्यों पता है? क्योंकि उनके अंदर ऐसा एटीट्यूड होता है। एक बात सोचो, आप सोचते हो यार वो लड़की मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मेरा बहुत फटेगा। ये सोच कर ना आप अपने अंदर एक ऐसा चीज ला देते हो, वो चीज लड़की भी समझ जाती है और फिर वो आपको छोड़ देती है। और वहीं पर जो लड़के ये दिखाते हैं कि यार मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर लड़कियाँ पता है क्या सोचती है कि यार अगर मैं उसे छोड़ के चली जाऊँगी ना तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात जानते हो, सबको ना अपना फैंस बहुत पसंद होता है, ठीक है, तो लड़कियों के लिए ना आप उसके फैन हो, क्योंकि आप उसे पसंद करते हो, उसे भाव देते हो। और अगर आप उसे भाव देना बंद करोगे ना, जैसे कि कुछ फर्क नहीं पड़ता जाना है तो जाओ, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बात उसे बोल दो, क्योंकि तब तो वो छोड़ के चली जाएगी। एटीट्यूड और ईगो में फर्क होता है, लेकिन आप उसके ऐसा प्रिटेंड करो कि ठीक है तुम अगर जाना यू कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पता क्या होगा, लड़की पहले तो बोलेगी मैं बहुत खुश हूँ लड़की, उसके बाद क्या होगा कि उसे लगेगा यार ये सच में मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे या फिर कम से कम 5-6 दिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5-6 दिन के बाद वो खुद आकर आपसे बात करेगी, और फिर नेक्स्ट टाइम ना वो कभी भी आपसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि उसे पता होगा कि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप अगर वो आपको छोड़ देना तो आपको फर्क नहीं पड़ता। एक बात मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, अगर आपके पास कोई चीज़ बहुत है, एक चीज़ देखियो, जब किसी के पास जॉब नहीं होता तो उसे जॉब नहीं मिलता, लेकिन एक बार आप जॉब में घुस जाओ फिर आपका प्रमोशन हो जाता है या फिर बहुत सारे जॉब मिल जाते हैं, ये अक्सर लाइफ में होता है। हम लड़कियों के साथ भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास एक गर्लफ्रेंड है तो फिर आपके पास कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बन सकती है, मतलब ब्रेकअप होने के बाद, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो सबको लगेगा कि ये ग्रीडी है। तो कभी कोशिश करो कि थोड़ी सी लड़की जो तुम्हें भाव देती है, भले वो तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन भाव देती है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। फिर देखो जब एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ना तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, तो ये एक चीज़ है। और दूसरा नंबर चीज़ है कि यार देखो तुम बोलते हो कि लड़कियाँ पैसे के पीछे भागती है, तुम लोग भी तो लड़कियों के लुक से जज करते हो ना कि ये लड़की देखने में अच्छी है मैं इसे ही गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, ऐसा होता है। तो यार जब तुम लोग जज करते हो तो लड़कियाँ भी पैसे जज करती है, तो तुम ये क्यों नहीं करते कि तुम्हारे पास ही पैसे हो? एक बात बोलूँ, लाइफ में लड़कियाँ ऐसा नहीं होता, और लोग मेरा चैनल बस इसी टॉपिक पे है, लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि लाइफ में पैसे कमाओ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो लड़की सब आएगी, तो ये सोचने के बजाय कि वो लड़की या फिर कोई लड़की पैसे के पीछे भागती है, तुम पैसों के पीछे भागो तो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। तो इसलिए ये मत सोचो कि यार वो पैसे के पीछे भागती है, अपना खुद का पैसा कमाओ। देखो सब कुछ होगा लाइफ में, लड़की सब कुछ नहीं होती कि मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है, लाइफ का एक ही नियम नहीं होता। अगर कोई दोस्त आपको बस ये बोले हमेशा हर टॉपिक में वो लड़की, या जब भी बात करो लड़की का टॉपिक पे बात करे, तो यार उसे समझाओ कि लाइफ में और भी बहुत कुछ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। आपको ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड आपको चाहिए तभी आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन एक ऐसा एटीट्यूड लाओ कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें इतना भाव नहीं देने वाला, मेरा बिल्कुल नहीं पड़ता है। देखो अब मुझे पता है मैं ऐसा लैंग्वेज बोली, बस नॉर्मल सा सब आप भी ऐसे लैंग्वेज नॉर्मली बात करते हो, ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये सोचो कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर देखो वो लड़की खुद आपको भाव देगी। और ये चीज़ करो, जब आप खुद उसे भाव नहीं दोगे तो खुद आपके पास आके आपको भाव देगी और आपको प्रपोज भी करेगी। और अगर आपको लगे मेरी बात सही हो तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में।